हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.121 इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स। देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन में जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, ये शेडेड पार्ट आपके बुक में प्रॉपरली फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या करें, जो शेडेड पार्ट है ना, हम लोग को ये फाइंड करने बोले। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए बी सी डी के स्क्वायर है, ठीक है, और ए पी डी, ठीक है, और बी पी सी क्या है, हम लोग का सेमी सर्कल है, तो हम लोग को ये शेडेड पार्ट फाइंड करना है। तो हम लोग शेडेड पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम लोग इस स्क्वायर में, ठीक है, इस स्क्वायर में इस सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल और इस ये इस सेमी सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, ऐड करके माइनस कर देंगे स्क्वायर का एरिया में, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये वाला पार्ट निकल जाएगा। फिर से देखिए, इस स्क्वायर का एरिया में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ये पार्ट मिल जाएगा। चलिए बनाते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग को दिया है साइड ऑफ स्क्वायर, कितना दिया है हम लोग को कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका डायमीटर। ठीक है, ठीक है, देखिए जैसे हम लोग का कैसे रहता है सेमी सर्कल, ऐसे करके ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ही रहता है स्टूडेंट हम लोग का, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, डायमीटर, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये हम लोग का कितना है, 14 है, 14 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हम लोग का, 14/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के शेडेड पार्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस के, देखिए दो सेमी सर्कल है, ठीक, दो सेमी सर्कल है तो क्या करेंगे, 2, ठीक है, इनटू फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, देखिए हम लोग फिर से बता देंगे क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर का एरिया में इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग का ये वाला आ जाएगा। वही हम लोग ने किया है, यहाँ पे 2 इसलिए लिखे क्योंकि दो सेमी सर्कल है, ठीक है, 1 और 2। ठीक है, इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल की, तब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, माइनस 2, ठीक है, 2 कहाँ से है, मैंने बताया दो सेमी सर्कल, इसलिए 2 लिख दिए। ठीक है, इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, हाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर ये होता है पूरा एरिया का सर्कल। ठीक है, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये टू तो ही कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 × 2। अब देखिए यहाँ पे साइड कितना था हम लोग का, 14 × 14। ठीक है, माइनस पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर है, आर कितना हो जाएगा हम लोग का, 7। ठीक है, रेडियस 7 × 7 स्क्वायर, इसलिए दो बार लिख दिए। आप देखिए जो कटेगा काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 7 × 7 × 7। देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 माइनस, अब देखिए 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 7 × 2 = 14 का वन हैंड में, 7 × 2 = 14 और 115। ठीक है, माइनस कर देंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2, 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4। ठीक है, 110, तो हम लोग कितना देगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।